डियर स्टूडेंट्स, देखिए स्ट्रेटजी ऑफ इन्हेंसमेंट ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन, उसका ये फोर्थ लेक्चर वीडियो है। यानी कि फर्स्ट सेकंड जो था वो डेयरी फार्मिंग में रिलेटेड था, जो थर्ड था वो आपका कंप्लीट रूप से पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट का था, और अब जो फोर्थ वीडियो लेक्चर है वो एक छोटा सा वीडियो लेक्चर है, उसमें हम लोग गोट और सीप फार्म मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो ये मैं बता दूं कि जो पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट का क्वालिटी और क्वांटिटी के मामले में जो क्राइटेरिया दिया गया था, वही क्राइटेरिया किसके लिए था? पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट के लिए। और ठीक वही क्राइटेरिया किसके लिए है? तो कहता है गोट एंड सीप फार्म मैनेजमेंट के लिए। ओके, इसके लिए भी सेम क्राइटेरिया है। क्या क्या है? इसमें भी हम हाई यील्डिंग वैरायटी का यूज करेंगे, यानी कि इसकी ब्रीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, इनकी भी हाउसिंग की व्यवस्था प्रॉपर हाइजीन में होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर क्लीननेस के साथ होना चाहिए। तीसरी, कहता है कि इनके ये भी डिजीज फ्री हो, डिजीज रेसिस्टेंट हो, टॉलरेंस, इन्वायरमेंटल टॉलरेंस कैपेसिटी इसमें हो, ठीक है। फिर कहता है इसमें भी इनके लिए भी क्लिनिकल फैसिलिटी होना चाहिए, इनके लिए भी क्लिनिकल फैसिलिटीज होना चाहिए। क्लिनिकल फैसिलिटी इन द सेंस, ठीक है, कि मतलब अगर कोई डिजीज हो जाए तो इन्फेक्टेड, ठीक है, गोट या सीप को जो भी क्लिनिकल फैसिलिटी असिस्टेंट दिया जाए वो देना चाहिए, इनको भी रोगों से बचाया जाए, इनके लिए भी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाया जाए, इनके भी बहुत सारे डिजीज होते हैं उनसे इनकी रक्षा की जाए, ठीक है। तो चलिए इनके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। कहता है कि मैनेजमेंट ऑफ सीप एंड गोट, ओके, इन आवर कंट्री सीप आर रेयर्ड फॉर वूल, स्किन एंड मीट, एंड गोट फॉर मीट, मिल्क, हेयर एंड स्किन, ठीक है। सीप से तो आपको मतलब दूध मिलती नहीं है, मिल्क मिलती नहीं है, गोट से आपको एक्स्ट्रा में, कहते हैं इसमें मिल्क भी मिलती है, हेयर भी मिलती है, मीट भी मिलती है, स्किन भी इनका ये करता है। जबकि उनका स्किन था, मीट था, मिल्क था, यानी कि वहां पे मिल्क नहीं था। कहता है गोट को हम लोग कहते हैं पुअर मेन्स काउ, गरीब आदमी की गाय, ठीक है। कहता है ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लेस अमाउंट ऑफ मिल्क, बट मैं बता दूं ये जो गोट का जो मिल्क है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो गोट का मिल्क है, ठीक है, इसके बारे में आप सुन लीजिए। कहता है हाईएस्ट अमाउंट ऑफ, ठीक है, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ विटामिन बी टू, जिसको हम लोग बोलते हैं विटामिन बी टू, इसकी कमी से क्या होती है? चिलियोसिस, ठीक है। विटामिन बी टू का नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। विटामिन बी टू का नाम है राइबोफ्लेविन, ठीक है, राइबोफ्लेविन, समझ गए, ठीक है, राइबोफ्लेविन है। और कहता है ये मतलब प्लेटलेट काउंट को इंक्रीज करता है, इसलिए इसका ये रिकमेंड किया जाता है। कहां पे ये रिकमेंड किया जाता है? किसमें, ठीक है, H1N1 इंफेक्शन के टाइम में, इंफेक्शन में, यानी कि स्वाइन फ्लू जो डिजीज होता है, मैं देखने गया कि आपका बोर्ड क्लियर है कि नहीं, बोर्ड पे दिख रहा है। कहता है कि ये जो बकरी का दूध होता है इसमें विटामिन बी टू की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, इसलिए देखिएगा इनकी जो मलाई होती है उसमें येलो कलर बहुत डीप होता है, और इसमें प्लेटलेट सेल बनाने की क्षमता है, इसलिए ये H1N1 इन्फेक्शन के टाइम में, यानी स्वाइन फ्लू के टाइम में, जब ब्लड सेल काउंट, ये ब्लड सेल कहते हैं, जब प्लेटलेट काउंट बहुत घट जाता है तो यही काम आता है, ठीक है। बकरी का दूध और पपीता का पत्ता, ठीक है, पपीता का पत्ता पीस करके
और बकरी का दूध। बकरी का दूध अभी जो स्वाइन फ्लू दिल्ली में हुआ था उसमें बकरी का दूध मतलब आप समझ जाइए 500-500 रुपये, 1000-1000 रुपये लीटर मिलता था। तो एक कपल की कहानी आपको बता रहे हैं, ओरिजिनल में जो कहानी निकली दिल्ली में, ठीक है, जो अमर उजाला पेपर आता है उसमें ये कहानी दी हुई थी। मेरे पास कटिंग भी होगा बट अभी आपको इसमें वीडियो में दिखा नहीं पा रहा हूँ, होगा कहीं पर रखा हुआ लेकिन दिखाऊंगा जरूर। उसमें क्या हुआ कि एक कपल था दिल्ली में, प्रीत बिहार में, वहां पे उसके हस्बैंड को मतलब अभी तो कोरोना है, अभी तो लोग कहते हैं बस कोरोना कोरोना कोरोना, स्वाइन फ्लू कोई कोरोना से कम बड़ी बीमारी नहीं थी, ठीक है, जब आई थी तो खूब हंगामा उसमें भी हुआ था। तो जो H1N1 का इन्फेक्शन हुआ था यानी कि स्वाइन फ्लू का इन्फेक्शन हुआ दिल्ली में, तो बहुत लोग मरे, ठीक है। तो कहता है कि दिल्ली में डेंगू ने परेशान किया, ये परेशान, दिल्ली में बीमारी एक से एक चलते रहता है, ठीक है। अब सुनिए, ये जब हो गया इसका इन्फेक्शन तो उसको किसी ने बोला कि बकरी का दूध लाना है। जब वो बकरी का दूध लाने के लिए एक थोड़ी सी स्लम एरिया के पास गई तो स्लम एरिया में क्या पता हो, मतलब लेडी को, बस लेडी को इतना था कि हाँ दूध अभी महंगा बिक रहा है, मैं 600 रुपये लीटर बेचूंगी। तो 600 रुपये आप जानते हैं बकरी का दूध आधा किलो 1 किलो निकल जाए तो बहुत है, ठीक है। तो वो बकरी के मालकिन से दूध लेने गई, उसकी वाइफ जिसको H1N1 इन्फेक्शन था। तो आप जानते हैं लेडीज वगैरह दिमाग तो मतलब इनके पास बहुत होता है, खास करके खरीदारी में मुकाबला नहीं है लेडीज का। आप अगर जाएंगे, ठीक है, ठगा जाएंगे भाई साहब, ना आपको बार्गेनिंग करने आएगी ना कुछ, इनके पास 50 तरीके हैं। इसलिए जब भी आप खरीदारी करें फिर उनकी चॉइस बहुत जबरदस्त होती है, ठीक है। तो इनकी चॉइस भी अच्छी होती है, ठीक है, ये पैसे भी आपको बचा देंगे, ये कम पैसे में गिफ्ट भी दुकानदार से ले लेंगे, ठीक है, खरीदारी में बोल भी देंगे कि मैं इधर भी ले गई थी इधर भी, उनके पास 50 है। इसलिए खरीदारी का मतलब होता है लेडी के साथ जाइए, अगर अपना भी कपड़ा लेना है तो उनके चॉइस से लीजिए, एक तो कपड़ा बहुत अच्छे अच्छे डिजाइनदार आपको पसंद करवाएंगे, ठीक है। हाँ ये है कि अगर आप वाइफ के साथ जा रहे हैं, ठीक है, या मान लीजिए कि आप गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको चक्कर तो लगेगा भाई, ठीक है, मतलब आप अगर लेने गए 1-2 सेट तो उनको भी दिलवाइए 50-50 इक्वल इक्वल, ठीक है, और गर्लफ्रेंड वाला में तो पलड़ा उधर ही भारी रहेगा, ठीक है। जैसा कि ये है, अब ये मत समझिएगा कि हाँ प्रॉपर एक्सपीरियंस से सर बता रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जमाना देखते हुए बस देखते रहते हैं, ठीक है। तो वो जो कहते हैं ना कि सब उधर देखते हैं वो जिधर देखते हैं, सब उधर देखते हैं वो जिधर देखते हैं, हम तो बस देखने वालों की नजर देखते हैं। कभी कभी देख लेते हैं कि भाई क्या चल रहा है, कौन कपल कैसे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके बीच क्या चल रही है, तो आभास हो जाता है। उसी को आज सोचे कि नहीं चलो वीडियो में बोल ही दें, तो वो क्या हुआ उसकी बात सुनिए, वो भूलना नहीं है। तो वो लेडी जाती है दूध लाने बकरी का, तो बकरी के मालकिन से पूछती है कितने रुपए लीटर दूध, कहती है 600 रुपए लीटर दूध, ठीक है। तो कहती है कि ठीक है अभी आधा किलो दे दो, आधा लीटर दे दो, कल फिर आधा लीटर दो। 2 दिन गई, उसका तीसरे दिन कहती है आप ये बताओ इस बकरी की कीमत कितनी है। तो बोले कि ऐसे तो मतलब जो नॉर्मल डे होता है उसमें 3,000 होती है, ये 6,000 की बकरी हम आपको दे देंगे। उसकी मालकिन जो ये लेडी थी वो घटा घुटा के, ठीक है, बार्गेनिंग तो उनको हर जगह चाहिए, वो घटा घुटा के 5,000 लाई और 5,000 उसी टाइम कैश घर से मंगवा के दे दी और बकरी ले जाके बांध दी और 1 महीना तक अपने हस्बैंड को दूध पिलाई। अगर 1 महीना वो आधा आधा लीटर लेती तो कितना होगा भाई, ठीक है, आधा आधा लीटर भी अगर लेती 1 महीने तक तो 300-300 रुपये का हुआ, 9,000 का पड़ता, और 5,000 वो बकरी बांध दी, उस पे घर के नौकर को लगा दी, हो गया, मजे में वो घास उस खिलाता था, बकरी दोता था, उसका नौकर हो गया, पति भी ठीक हो गया, एक बकरी भी रह गया। अब बताइए क्या बकरी को आप पुअर मेंस काउ बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, ठीक है, रिच मेंस इमरजेंसी काउ बोलेंगे उसको, रिच मेंस इमरजेंसी काउ यानी कि अमीर आदमी का इमरजेंसी में लिया हुआ छोटा सा गाय, ठीक है। तो ये कहना जो है ना ये सब बेवकूफी है, ऐसे बना दिया गया तो लोग कहते आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए अब भाई कहता है कि यहाँ पे बीवी है पश्मीना, पश्मीना के बारे में जानिए पहले, ठीक है। तो कहता है पश्मीना के बारे में ये जानना है कि
ये पश्मीना द अंडर फर फ्रॉम द कश्मीरी गोट, ठीक है, कापरा एजिग्रस, कापरा एजिग्रस। तो बताइए पश्मीना ये क्या है, बहुत ही फेमस वूल है, ठीक है। तो कहते हैं कि द अंडर फर फ्रॉम द कश्मीरी गोट कापरा एग्रस इज ए फाइन एंड सॉफ्ट वूल यूज्ड फॉर कश्मीरी सॉ, ठीक है। ये दिमाग में आपको रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये नीट में, ठीक है, लगभग 8 times ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 8 times नीट एंड AIPMT 8 times ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये दिमाग में आपको रखना है। अब आइए सिप के बारे में कुछ जाने। कहते हैं सिप है ग्रिगेरियस, ग्रिगेरियस का मतलब क्या होता है, झुंड में चलने वाला। रूमिनेंट मैमल, रूमिनेंट मतलब जिसके, ठीक है, स्टोमेक में 4 chambers होते हैं, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम, ठीक है। तो कहते हैं ग्रिगेरियस, रूमिनेंट एंड ऑफन हॉर्न मैमल, ओके। 40 breeds ऑफ सीप इन इंडिया, इंडिया में इसके 40 breed है, और ब्रीड का जो नाम है उनके ओरिजिन प्लेस पे डिसाइड किया गया है, ठीक है। नेम्ड एट ओरिजिन प्लेस मतलब जिस स्टेट के, जिस गांव के या जिला के नाम पे, जहां पे वो पैदा हुआ, जहां पे वो डेवलप हुआ ब्रीड पहली बार, उसके नाम पे रख दिया गया। आइए कुछ ब्रीड देखते हैं, सब ब्रीड्स ऑफ इंडियन से, ठीक है। ब्रीड डिस्ट्रीब्यूशन यूजेस लोही, पंजाब और राजस्थान, ठीक है, पंजाब और राजस्थान लोही, ठीक है। यानी कि लोही ब्रीड जो पंजाब और राजस्थान में पाया जाता है, यूज गुड क्वालिटी वूल एंड मिल्क, अतः इसे वूल भी और मिल्क भी, ठीक है। अब बताइए ये सीप जो है इससे दूध भी निकाला जाता है, ठीक है। अब आइए रामपुर बुसेर UPHP ब्राउन कलर, ठीक है, फ्लिस, ठीक है, सुपीरियर क्लॉथ। अब आइए नेल, ठीक है, हरियाणा पंजाब राजस्थान, हरियाणा पंजाब राजस्थान, इसको भी शॉर्ट नेम में नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये लीजिए HR, ठीक है, PB और RJ, ठीक है, ये गाड़ी का नंबर होता है इनका, ये शुरुआत होता है हरियाणा पंजाब राजस्थान, सुपीरियर कारपेट हो। उसके बाद भकरवाल, भकरवाल जो है वो कहां पे, JK एंड लद्दाख, जम्मू कश्मीर लद्दाख, अंडर कोट यूज फॉर हाई क्वालिटी उलन सॉ, ठीक है, जैसे पश्मीना है उसी तरह ही है। तो ये नेल सबसे ज्यादा क्वेश्चन में पूछा, ये एक बार नीट में पूछा हुआ है, पूछने की संभावना है, और प्लस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये दिक्कनी कर्नाटका में होता है मटन, बट नो यहाँ पे मटन के लिए तो यूज होता है, बट इसमें उलन कुछ नहीं। फिर उसका नेलोरी, ये महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र कर्नाटका वाला में मटन तो होगा बट उलन नहीं होगा। अब आइए मारवाड़ी, मारवाड़ी तो आप समझते हैं गुजरात में सबसे ज्यादा मारवाड़ी लोग रहते हैं, तो गुजरात, ठीक है, क्रासूल, ये कोयरसूल बोलते हैं, और कहता है ये पटानावाड़ी ये भी गुजराती है, कहता है वुल फॉर आर्मी हॉजरी, ओके। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या था, सिख का वैरायटी। लेकिन अब देखिए यहां पर जैसे ये पूछा है 8 times सबसे ज्यादा बार पूछा है, कहां पे, नीट में 8 times पूछा है सबसे ज्यादा बार, उसी तरह से 2 questions और बहुत ज्यादा पूछा है, एक तो सहतोष एक अंगूरा, पश्मीना, सहतोष और अंगूरा, ठीक है, ये सबसे ज्यादा बार नीट में पूछा है। ये तीनों याद कीजिएगा, तो बाकी याद करने की जरूरत भी नहीं है। सहतोष कहते हैं इसको बोलते हैं किंग ऑफ वूल, मतलब उलेन का, उलेन मतलब सोर्स में, मतलब उलेन के रिसोर्सेज में सबसे ज्यादा किंग, राजा बोलते हैं इसको, ठीक है। वन ऑफ द फाइनेस्ट वूल मेड फ्रॉम द हेयर ऑफ तिब्बतियन एंटीलॉप, तिब्बतियन एंटीलॉप्स, उसका नाम क्या है, ठीक है, पेंथोलॉप्स, ठीक है, हॉक्सन, पेंथोलॉप्स हॉक्सन, ठीक है, नाम है, उसको प्यार से बोलते हैं चीरू। ये चीरू नीट का परमानेंट क्वेश्चन है, AIPMT का परमानेंट क्वेश्चन है, AIPMT का नीट का परमानेंट क्वेश्चन है, डियर, ठीक है। बताओ उससे क्या निकलता है, सहतोष, सहतोष निकलता है, ठीक है। तो ये तिब्बतियन एंटीलॉप्स है,
क्या है? तिब्बतियन एंटीडॉट्स। बोलिए, क्लियर है पॉइंट? तो चीरू नाम है इसका, ठीक है, यानी कि चीरू, ठीक है, तिब्बतियन एंटीलॉग्स, तिब्बतियन एंटीलॉग्स। बोलिए, क्लियर? ठीक है, चलिए अब देखिए, यहां तक क्लियर है? अब देखिए, ये संतोष जो है, संतोष यानी कि चीरू, ठीक है, ये क्या बोलिए? तिब्बतियन एंटीलॉग्स, ठीक है, कोई दिक्कत? अब बोलिए, कहता है कि एक, अच्छा इसके बारे में, ये जो है ना, इसके बारे में एक लाइन आप ये दिमाग में रखिए, इसको पूरे एक लाइन बना करके, सो सॉफ्ट, ये बहुत ही इतना सॉफ्ट होता है, इतना फाइन होता है, कहता है दैट कैन बी स्लिप्ड थ्रू ए, ठीक है, फिंगर रिंग, ठीक है, इंटरनेशनल, अच्छा फिंगर रिंग जैसे ये है ना, इसके थ्रू इसको पास करवा सकते, इतना सॉफ्ट होता है, अब आप समझिए, इसके थ्रू पास करवा सकते स्लिप्ड, ठीक है। कहता है इंटरनेशनली इसमें बैन लगा दिया गया, क्योंकि इस संतोष के कारण, चूंकि बहुत महंगा होता है, कॉस्टली भी होता है और बहुत ही कम अवेलेबल होता है, इसलिए इसकी शिकार और बढ़ गई। तो इसके जो सोर्स है ना चीरू, उस पे हंटिंग पे, मतलब इसके शिकार पे रोक लगा दिया गया, मतलब प्रोफेशनली भी, यानी कि इकोनॉमिकली भी उन पे रोक लगा दिया गया कि नहीं नहीं चाहिए, बट ये जानवर बचा रहे, चीरू बचा रहे, तिब्बतियन एंटीलॉप्स बचा रहे, वो इंडेंजर्ड में आ गया, ठीक है। तो उस पे अब इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है वो रोक दिया गया, ठीक है। चोरी छिपे अभी भी ले आते हैं, वो अलग बात, ठीक है। फिर कहता है लास्ट में एक रैबिट के, मतलब फर से एक ऊल बनता है, उसका नाम है अंगूरा, ठीक है। तो रैबिट, यहां पे याद रखिएगा, रैबिट यानी कि रैबिट जो है, ठीक है, आर के बाद ए होता है, तो कहता है रैबिट से निकलता है अंगूरा ऊल। संतोष, संतोष सुप्रीम कोर्ट को एक साथ याद रखिएगा, दुनिया में सबसे बड़ा क्या है कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट, तो कहता है दुनिया में सबसे महंगा सॉल, सबसे महंगा, ठीक है, उलन कौन होता है, कहिएगा संतोष। कहां से निकलता है? एंटीलॉप्स, कहां से? एंटीलॉप्स यानी चीरू से, ठीक है, तो चीरू से, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट संतोष चीरू, सुप्रीम कोर्ट संतोष चीरू, ठीक है। रैबिट, रैबिट अंगूरा, ठीक है, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो रैबिट ये जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में, ये भी क्वेश्चन नीट का, ठीक है। रैबिट अंगूरा यानी कि आर के बाद ए अंगूरा, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। और कहता है ये, ठीक है, इसमें तो कहता है कि आप जो हमसे पढ़ रहे, कहेगा कि भाई पंकज सर का कोई गोल, यस पीके गोल, पीके गोल यानी पीके का भी कुछ अपना गोल है, कुछ अपना मोटो है, कुछ अपना उनका, ठीक है, मतलब अपने लाइफ का चाहत है, तो वो उसके लिए अपना जी रहा है, उसके लिए कर रहा है, आगे आप लोग देखते जाएंगे क्या क्या करते हैं। तो पीके गोल यानी कि पश्मीना ऊल जो निकलता है, मेरा ही नाम लिखिएगा, पीके गोल यानी कि पीके, पीके गोल, ठीक है, पीके गोल, ठीक है, समझ गए, या पीके जी, पंकज कुमार जी, ये रखे गया पंकज कुमार जी या पीके गोल, ठीक है। दूसरा हमने क्या बोला, संतोष, ठीक है, चीरू, ठीक है, संतोष चीरू, ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद फिर कहता है रैबिट, ठीक है, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अब देखिए पीके गोल, इसको मैं एक और, मतलब मैं ये बता दूं कि यहां पे तीन तरह के जो उलन हैं, मतलब टॉप वैरायटी के, उसमें एक आपका कौन हो गया, पहला हो गया आपका, ठीक है, सबसे पहला, फर्स्ट में हमने क्या बताया आपको, पश्मीना, पश्मीना उल बहुत फेमस है, ये कहां से निकलता है, कश्मीरी गोट से निकलता है, पश्मीना उल कहां से निकलता है, कश्मीरी गोट्स, कश्मीरी गोट के अंडर फर से, ठीक है। तो पीके गोल, पीके गोल यानी कि पीके मतलब पश्मीना उल, कहां से, कश्मीरी गोट, ठीक है, कश्मीरी गोट, पीके गोल, ये याद रखिएगा, कश्मीरी गोट यानी कि पीके का गोल, पंकज कुमार का गोल, पीके गोल, कश्मीरी गोट। और एस सी आर ए, इनको मिला दीजिए आप, स्टाफ, एस सी आर ए स्टाफ, ठीक है, एस सी आर ए जो होता है ना,
स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस एग्जाम होता है, ठीक है, स्टाफ में स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस, ये बहुत बड़ा एग्जाम होता है, ई ग्रेड ऑफिसर का एग्जाम होता है, SCR रेलवे का एग्जाम है, आप जानते होंगे SCR स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस, यानी पीके गोल पंकज कुमार का गोल SCR स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस, तो बताइए पीके, यानी पीके गोल, पी से हो गया आपका पश्मीना, के से हो गया कश्मीरी, गोल के बदले गोट, एस का मतलब सहतोष, सहतोष किससे निकलेगा, चीरू से, और चीरू का नाम क्या है, एंटीलॉप्स, ठीक है, यानी कि तिब्बतियन एंटीलॉप्स, ठीक है, क्लियर है पॉइंट, और कहता है रैबिट से क्या निकलेगा, अंगूरा, यानी कि अंगूरा वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फर ऑफ रैबिट, ठीक है, फिर कहता है सहतोष इज ऑब्टेन फ्रॉम द फर ऑफ, ठीक है, कौन सा, तो कहिएगा चीरू, यानी कि तिब्बतियन एंटीलॉप्स, और कहता है पहला, यानी कि पश्मीना वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम कश्मीरी गोट, ये हमारा ट्रिक है 2 से 3 मिनट का, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है, यानी कि सहतोष पश्मीना, ठीक है, और सहतोष पश्मीना और अंगोरा वूल, ये तीनों नीट के लिए एक क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप क्लियर कर लीजिए, कौन किससे निकलता है, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, ठीक है, और इसी के साथ आप आगे बढ़िए, और भी अच्छे अच्छे वीडियो और अच्छे अच्छे, ठीक है, ट्रिक्स देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, ठीक है, 1000 तक, ठीक है, हमारा सब्सक्रिप्शन पहुंचने वाला है, तो आप जल्दी से उसमें कंट्रीब्यूशन अपना कीजिए, अगर हमारे हर वीडियो को देखना पसंद करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।